हे गाइस, माय नेम इज शाकिब और आप देख रहे हो techcube.com। सो गाइस, इस वीडियो में करेंगे रियलमी U1 का अनबॉक्सिंग। आई नो गाइस कि थोड़े दिन हो चुके हैं इस मोबाइल को लॉन्च हुए हुए, लेकिन गाइस ये स्पेशल एडिशन गोल्ड कलर है जो कि आपको फौरन अभी लॉन्च हुआ था 7 जनवरी को। और गाइस 7 जनवरी को मैंने खरीद लिया था, पहले ही सबसे पहले खरीदा था। सो गाइस सबसे पहले करेंगे इसकी बॉक्स की अनबॉक्सिंग, और उससे पहले थोड़ा बहुत डिटेल पढ़ लेते हैं इसकी। तो फायरी गोल्ड कलर मेंशन है जो कि सबसे अच्छी बात है। 3+32GB रैम वेरियंट है ये, और गाइस यहाँ पे आपको सार वैल्यू भी मेंशन की गई है। सो गाइस चलिए सबसे पहले इसकी बॉक्स की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सो अनबॉक्सिंग के लिए मेरा स्पेशल पेन है आज। कैसा पेन है बोला कमेंट में बताओ। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे बॉक्स मिलेगा डॉक्यूमेंटेशन, इसमें आपको सिम इजेक्टर टूल भी दी गई है, और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा TPU केस कवर है, सम डॉक्यूमेंट्स, इसमें आपको शायद वारंटी कार्ड भी होता है, रियलमी का डॉक्यूमेंट है ये भाई, ये रहा वारंटी कार्ड, सही है। उसके बाद आपको मिल जाएगा रियलमी U1 का मोबाइल, निकाल लेते हैं सबसे पहले। ओ गाइस गोल्ड कलर देखो, इसको बाद में अभी अनबॉक्स करते हैं। और आपको यहाँ पे USB केबल मिल जाएगा, और आपको चार्जिंग अडेप्टर मिल जाएगा, और अपने यहाँ पे रियलमी की ब्रांडिंग आ गई है, और आपके यहाँ पे 5W 2A का नॉर्मल चार्जर है, फास्ट चार्जर नहीं है, फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी इस मोबाइल में अभी तक नहीं आई है, मतलब रियलमी शायद अभी करेगा इंक्लूड। सो गाइस चलिए अब बॉक्स की बात, मोबाइल की बात कर लेते हैं। सो इसको सुनो तुम, सो गाइस अगर बात करते हैं फर्स्ट इंप्रेशन की, तो बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत मोबाइल है, और मैंने सच में इसको आपको लॉन्च इवेंट के दौरान देखा था, मुझको बहुत पसंद आया था ये। आप पहले फीलिंग में मुझे लगता है कि iPhone XS वाला कलर है शायद से गोल्ड वाला, क्योंकि ये जो इसका जो फ्रेम है आपको गाइस वो अलग कलर है, ये वाला जो लाइट गोल्ड कलर है ये थोड़ा सा iPhone वाला डिज़ाइन मेरे को लगता है, और बहुत ही प्यारा लग रहा है। और आपको सामने से यहाँ पे आपको ड्यू ड्रॉप नॉच मिलेगा। सो इसको जल्दी से बूट कर लेता हूँ और आपको दिखा दूंगा थोड़े बहुत कैमरा सैंपल इस वीडियो में। सो गाइस फाइनली मैंने सेटअप कर लिया रियलमी U1 का। ये इसका जो लाइट पिलर डिज़ाइन है बहुत ही प्यारा लग रहा है, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है गोल्ड कलर में, तो मुझे लग नहीं रहा कि 12,000 का फ़ोन है। इन हैंड काफ़ी अच्छा प्रीमियम फील आ रहा है इसमें, और इसका जो डिस्प्ले बहुत ज़्यादा ब्राइट और वाइब्रेंट है, और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव भी, इसका टच भी काफ़ी अच्छा लगा। मैं कलर OS को उतना बड़ा फ़ैन तो नहीं हूँ, लेकिन कलर OS मुझे ऐसे कोई परेशानी भी नहीं उससे। अब बात कर लेते हैं बूट की बात। तो गाइस बूट में आपको 3-4 एप्लीकेशन जो प्री इंस्टॉल्ड है, जो कि बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, लेकिन हाँ रियलमी तो इतना सस्ता फ़ोन दे रहा है तो एप्लीकेशन कमाएगा थोड़ा बहुत। तो डेली हंट, ये शेयर चैट और ये ओपेरा, तीनों को मैं हटाता हूँ जल्दी जल्दी। और ये पेटीएम भी यूज़ कर रहे हैं, पेटीएम से उनका कोई कोलेब्रेशन है, और अमेजोन, तो ये दोनों से मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं इनको कीप करूँगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हो। सो गाइस अब बात करते हैं सबसे पहले इसके कैमरा की। गाइस सो गाइस कैमरा सैंपल मैं आपको इस वीडियो में इंक्लूड करने वाला हूँ, आपको अगर ले रहे हैं तो गूगल ड्राइव भी मांग लेना, मैं आपको गूगल ड्राइव भी अपलोड कर दूंगा, उससे क्या होगा कि आपको क्वालिटी पता चलेगी कि कितनी अच्छी क्वालिटी है। और गाइस सेल्फी कैमरा मैंने जस्ट चेक किया, इट्स कम्प्लीटली ऑसम गाइस। मैंने बहुत ज़्यादा सेल्फी कैमरा उस वाले फ़ोन देखे, लेकिन मुझे इसका जो सेल्फी कैमरा बहुत अच्छा लगा। इसमें आपको बहुत ज़्यादा AR स्टिकर्स भी हैं, इसमें आपको बहुत सारे AR स्टिकर्स भी हैं एक से एक, जो आपको बहुत पसंद आने वाले हैं अगर आप इसके फ़ैन हैं तो। और यहाँ पे आपको और इसका जो रियर कैमरा है आपको 13+2 MP का, वो भी ठीक ठाक सा है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं है, लेकिन हाँ ये बहुत अच्छी लाइटिंग कंडीशन, 3-4 तरफ से लाइट आ रही है इसीलिए इतना अच्छा है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। और ये सेल्फी कैमरा मुझे बहुत पसंद आया, इसका डिटेल काफ़ी अच्छा था, मुझे 25 MP का कैमरा इसका काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। और इसका जो ब्यूटिफिकेशन मोड है, ये रहा ब्यूटिफिकेशन मोड, ये रहा नॉर्मल मोड, और मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, बिल्कुल नॉर्मल, मैं तो ही गोरा हूँ यार, इतना नहीं है। और इसका ब्यूटिफिकेशन मोड तुम बिल्कुल तोड़ है, तुमको तो एकदम गजब का गोरा कर देगा। और ये वाली फोटो भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, इसका डिटेल अगर चेक करें तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और अगर इसकी क्वालिटी की बात कर लें, आपको यहाँ पे 5.3 MB की फ़ोटो क्लिक करता है ये सेल्फी से सिर्फ, तो बहुत अच्छी क्वालिटी की होने वाली है, सही सी बात है। और आपको अगर रेयर की बात कर लें तो इसमें आपको 2.1 MP की फ़ोटो है, सो ठीक है काम चला हुआ है। अब बात कर लेंगे इसके सॉफ्टवेयर्स की। सो सेटिंग में जाते हैं सबसे पहले, और अबाउट फ़ोन में जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है, ये रहा अबाउट फ़ोन यहाँ पे, और ये रहा कलर OS 5.2 है, इसमें अपग्रेड आ जाएगा 6.2 का बहुत जल्दी आने वाला है इसमें, और आपको यहाँ पे पाई अपग्रेड भी आएगा बहुत जल्दी, और इसमें आपको हीलो P70 भी, ये तो पता ही होगा सबको, तो उसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बस आपको एंड्रॉयड वर्जन 8.1.0 जो लेटेस्ट
ओरियो का अपग्रेड वर्जन है वही है इसमें, आपको रैम 3 GB है। ओके, यहाँ पे सब चीज़ तो मालूम है आपको और मुझे ही मालूम है। सो इसके ऊपर आपको क्या क्या वीडियो देखनी है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको पक्की बात अपलोड कर दूंगा। और इस वीडियो के लिए इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। और ये रहा कैमरा सैंपल्स। सो गाइस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वीडियो से। सो ये रहा वीडियो सैंपल, जो कि माइक भी आपको रियलमी U1 का मिल जाएगा इसमें। सो गाइस जस्ट अभी मैंने रियलमी U1 का अनबॉक्सिंग किया है और ये है वीडियो सैंपल सेल्फी कैमरा का, क्योंकि मैं सब मानता हूँ कि ये बेस्ट सेल्फी कैमरा है। 12,000 रुपये के प्राइसिंग में बहुत ही कमाल की फ़ोटोज़ ले रहा है सेल्फी में, और रियर में ठीक ठाक सा है, मतलब काम चला हुआ है, मतलब तुमको चल जाएगा काम, ऐसा नहीं है कि तुम रो दोगे उसको देख के, नहीं चलेगा काम। सो गाइस अब देखेंगे आप रियलमी U1 के कैमरा सैंपल। बात करते हैं सबसे पहले फोटो की। ये रियलमी U1 का बॉक्स है, जो लाइटिंग कंडीशन है वो गुड लाइटिंग कंडीशन है और रूम के अंदर की लाइटिंग कंडीशन थी ये। दूसरी फोटो भी अगेन आपको रूम लाइटिंग के ऊपर है, लेकिन ये आपको रात की फोटो है, यानी कि आपको नाइट फोटोज है, उसके हिसाब से काफी अच्छी फोटो आई है। फ्लावर की फोटो गाइस आपको विविड मोड पे है और आपको 1x लॉसलेस जूम है इसमें, जिसकी वजह से जो क्वालिटी आई फोटो की बहुत ही अच्छी थी। सनलाइट लाइटिंग कंडीशन भी इसमें है और मुझे ओवरऑल फोटो बहुत ही अच्छी लगी ये वाली। सो गाइस ये फोटो आपको विविड मोड पे है और आपको यहाँ पर डिस्टेंस वाइज पोर्ट्रेट मोड मिलता है, पोर्ट्रेट नहीं है बोके है ये। सो अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करते हैं तो देखिए, आप जूम करने के बाद आपको पता चलेगा कि जितने फोकस था इसका पीछे की तरफ था। सो इसने 3 लेवल बनाया है, पहला पीछे जो आपको सब्जी मंडी है, आगे आपको यहाँ पे जो ब्लर है, आपको बीच में जो खली था जिस पर फोकस है ऑलरेडी। सो काफ़ी अच्छी लगी फोटो मुझे, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई यहाँ पे लेकिन काफ़ी अच्छी थी। और अब आप देखेंगे इसके सेल्फी कैमरा की फोटोज़, जो कि काफ़ी अच्छी फोटोज़ हैं, क्वालिटी भी अच्छी, डिटेल भी अच्छी, मैं आपको पहले बताया था। और आपको मैं AR स्टिकर वाले भी फोटो इंक्लूड करूँगा, सो डोंट जज मी, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता हूँ उसमें, फिर भी देख लो।